brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान चल रहा है, जहां 13 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है। इस फेज में यूपी के कई कद्दावर नेताओं का भाग्य का फैसला 13 मई के मतदान से होना है। इस बीच बसपा सुप्रीमो ने भी मतदान के दौरान ट्वीट किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मायावती ने लोगों से गुजारिश करते हुए लिखा है, देश में लोकसभा के लिए 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव के आज चौथे चरण की वोटिंग में अपने वोट के बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग जरूर करें, अर्थात पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लगातार जारी रखना है, तभी जनहित और जन कल्याणकारी अच्छी सरकार देश में संभव है। अपने अगले ट्वीट में मायावती ने आगे लिखा है, आपका हर वोट जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और पलायन की व्यवस्था आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति का मार्ग बन सकता है तथा आपकी तरक्की के बंद दरवाजे सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से खुल सकते हैं, जैसा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आह्वान है। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की 13 सीटें और विधानसभा उपचुनाव की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। चौथे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शाहजहांपुर आरक्षित, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई मिश्रिख आरक्षित, उन्नाव, फारुखाबाद, इटावा आरक्षित, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच आरक्षित लोकसभा सीटें आती हैं। चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटों में 8 सीटें सामान्य कैटेगरी की हैं और 5 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चौथे चरण के इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों की चुनावी तकदीर का फैसला 2,46,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे। चौथे चरण में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की कन्नौज सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर है। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मौजूदा भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के बीच टक्कर है, जबकि उन्नाव में मौजूदा भाजपा सांसद साक्षी महाराज का मुकाबला सपा की अनु टंडन से है। भाजपा के 4 उम्मीदवार यानी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, रेखा वर्मा, मुकेश राजपूत और देवेंद्र सिंह उर्फ भोले जीत की हैट्रिक पर नजर गड़ाए हुए हैं, जबकि राजेश वर्मा सीतापुर से 5वीं बार जीतने के लिए मुकाबले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।